सारा समय का दंगल कोसा कासा कंचन की नगरी जांजगीर में आ चुका है। जांजगीर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 2019 का जो चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोगों से ही पहले जान लेते हैं 2019 का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। 2019 का चुनाव राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज है, हिंदू इससे बहुत आसान है। मान ले कि मोदी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी नहीं बोलते। राहुल गांधी को मौका नहीं लगा इसलिए उनको तो झूठा बोला नहीं जा सकता। अब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं, ये क्लियर हो चुका है। 370 धारा हटाने की दोहरी नीति है उनके पास, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पर भी 370 का जिक्र किया गया, आप समझिएगा नेशनल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे नहीं है। लोकल मुद्दे क्या हैं जांजगीर के? जांजगीर की मुद्दा तो अनेकों है सर। यहाँ लगातार अभी भाजपा के जो 15 साल की शासन काल में विकास की कोई भी ऐसा बेसिक, आप हम यहाँ खड़े हैं, रोड की हालत देख लीजिए, नाली नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तालाब सूख गया है। जो जनता को चाहिए, बता रहे हैं जो जनता को चाहिए। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, लोकल मुद्दों का जिक्र नहीं किया जाता, जब पूछा जा रहा जब बताया जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दे क्यों है यहाँ पर? इसलिए है भारतीय जनता पार्टी का आतंक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा खुद की निजी ठेका लेकर और कहीं भी जाओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ठेकेदारी किए हैं और गुंडागर्दी किए हैं लोगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारी किए, गुंडागर्दी किए, मैं इनसे जानने की कोशिश, लोकल मुद्दों का जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? लोकल मुद्दे ऐसा है, बिना मतलब की बातें होती है। देखिए, विकास नहीं हुआ कहना जुमलेबाजी वाली बात है, विकास कैसे नहीं हुआ? ये जो कार्य देख रही है क्या है? ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ही शुरू हुई कार्य है जो अभी चल रही है। वो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके ही लोग ठेकेदारी करते हैं। आप पता करिए ठेकेदार कौन है इस कार्य का, आपको अपने आप पता चल जाएगा कार्य का ठेकेदारी यहाँ शुरू हो गई। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, बीएसपी का गढ़ कहा जाता है जांजगीर चांपा को, यहाँ पर प्रभाव दिखता है? नहीं, बीएसपी का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े हैं। वास्तविक में अगर बताऊं मैं तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 15 साल राज्य में सरकार रही और 5 साल अभी केंद्र में सरकार चली, उससे पहले 5 साल चली। अगर आप टोटल विकास का मुद्दा देखेंगे तो 60 साल बनाम 5 साल और 60 साल बनाम 15 साल, आप दोनों में तुलना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फोरलेन अभी जो रोड बना, बिलासपुर से आप आए होंगे, फोरलेन में 40 मिनट में आप पहुंच गए होंगे यहाँ पे। पहले वही हमको बिलासपुर जाने में 4 घंटा लगता था। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं था, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से रखते हुए यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया। और अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस के आते ही आयुष्मान भारत योजनाएं गिनवाई जा रही। आयुष्मान का मैं जिक्र करूंगा, आयुष्मान योजना को बंद कर दिया गया अभी सहयोगी ने, यहीं से लॉन्च की गई थी, बीहड़ है जहां पर लॉन्च की गई थी, लेकिन बंद कर दिया गया, क्यों? ये झूठा और फरेब वाली बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी के काम भ्रम फैलाने का है। आयुष्मान योजना का कांग्रेस पार्टी ने विस्तार किया है और हर सरकारी अस्पतालों में, नहीं कोई विस्तार नहीं हो, सही बोल रहे हो, बंद कर दी गई है। यहाँ बंद नहीं की गई है, उस योजना को आरंभ नहीं करके नई योजना, हमारे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लाया जा रहा है, यहीं पर ही लॉन्च किया, बंद क्यों की गई उसको? उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, निजी अस्पतालों को जो प्राथमिकता दिया गया था आयुष्मान योजना के तहत, उसमें भ्रष्टाचार की संभावना थी जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में तमाम भ्रष्टाचार रहता है। मेरे को एक चीज बताइए, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? स्वास्थ्य की स्थिति तो फिलहाल हमारे जांजगीर चांपा जिले की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ केवल 15 साल के जो छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन रहा, उसमें मात्र रेफरल सेंटर के सिवाय जांजगीर चांपा जिले में जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उस अस्पतालों में सुधार नहीं किया गया। केवल यहां से बिलासपुर अपोलो भेज देना, सिम्स भेज देना और रायपुर के रेफर करने का काम चल रहा है ना, सीधा सीधा आरोप लगा, रेफर किया जा रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पूरा बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है, क्या सुधार होने चाहिए? जब राहुल गांधी जी आएंगे तभी सुधार होंगे यहाँ। अच्छा, राहुल गांधी के आने से सुधार होगा, मोदी के रहने से सुधार नहीं होगा। मेरे सहयोगी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, एक चीज बताइए, यहाँ पर कहा जाता है काशीराम का गढ़ है, लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है? जी देखिए, यहाँ पर 1984 में काशीराम जी ने DS4 की स्थापना की थी और दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको संगठित करने का प्रयास किया था। उन्होंने जब शुरुआत की थी तो निश्चित रूप से बहुत कम वोट पाए थे। ये जांजगीर चांपा सीट था, वो
अनारक्षित था, जो जिसमें से उन्होंने अपनी दावेदारी की थी और 32,000 लगभग मत हासिल किए थे। वहीं जो वर्तमान में भी बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनको भी, जो दाऊराम है उनको भी सारंगढ़ लोकसभा से उतारा गया था और उन्होंने लगभग 34,000 मत हासिल किए थे। तो इस तरह से देखा जाए कि दाऊराम रत्नाकर जो अभी बसपा के वर्तमान में प्रत्याशी हैं वो लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और दलित राजनीति को करते आ रहे हैं, और अब तक स्थिति यह आ गई है कि बसपा जो है दलित के साथ पिछड़ा वर्ग और ओबीसी जनरल सबको अपने साथ में लेकर के चल रही है। तो निश्चित रूप से अभी की जो समीकरण है वो त्रिकोणीय समीकरण बनती जा रही है। त्रिकोणीय समीकरण है, वो समीकरण बदले हैं। देखिए जातिगत जो पैतरा है वो सब लोग अजमा रहे हैं। आप एक युवा है, मैं आपसे जानने की कोशिश, रोजगार की क्या स्थिति है इस देश में? अरे बहुत दिक्कत है रोजगार। आपने क्या किया है, कहाँ पे पढ़ाई की है? पढ़ाई नहीं की है। क्या काम करते हैं? बस मजदूर हैं, इधर काम करने जाते हैं मजदूर है। देखिए वहाँ चलते हैं, एक बच्चा है जो तरबूज बेच रहा है और रोजगार की बात की जाती है और इसको भी रोजगार की कैटेगरी में रखा गया है। इससे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि बेटा कब से दुकान लगा रहे हो? डेली एक महीना हो गया। एक महीना हो गया, कितना पैसा कमाते हो? 100-150 कमाते हैं। 100-150 कमाते हो। कौन कौन है घर में? सभी हैं। एक बात बताइए, कितनी क्लास तक पढ़ाई की हो? पांचवी तक। नौकरी नहीं मिली पांचवी के बाद? नहीं। तो पांचवी तक पढ़ाई क्यों की हो? पांचवी के बाद छोड़ दी। आप स्थिति समझ सकते हैं, पांचवी पढ़ के बच्चा अगर छोड़ दे रहा है तो आप एजुकेशन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते हो, कहाँ पढ़ाई की हो? हाँ, दूसरी तीसरी। क्यों है? क्यों दूसरी तीसरी, आगे क्यों नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े। देखिए आप समझ सकते हैं, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के लेकर क्यों नहीं बात की जाती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक महिला है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भागी माता एक मिनट बात करिए। देखिए लोग भाग रहे, मैं इनसे बात करता हूँ। 2019 का चुनाव सामने है, तमाम पार्टियां तमाम वायदे करती हैं, वो वायदे पूरे क्यों नहीं हो पाते? वायदे इसलिए पूरे नहीं हो पाते कि ये अपने अपने सीट पाने के लिए झूठ मूठ बोलते रहते हैं, मतलब नेता लोग, और उसको कर नहीं पाते हैं, इसी वजह हो सकता है। लेकिन नेता लोग झूठ बोलते हैं मतदान पाने के लिए वो पूरा नहीं कर पाते। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, 2019 का चुनाव सामने है, तमाम पार्टियां तमाम वायदे करती हैं, वो वादे पूरे क्यों नहीं करती है पार्टियां? अब धोखा की सरकार है मोदी जी की सरकार, तो मिटलवरा की सरकार है वो, तो वो पिछले चुनाव में जनताओं को धोखा दिया और 15-15 लाख रुपए के खाते में देने का वादा किया। 72,000 का वादा भी तो किया जा रहा है। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस सरकार आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है वो काम को पूरा किया है, इसलिए जनता उम्मीद लगाए बैठे हैं उनसे। राहुल गांधी से यहाँ उम्मीद लगाया, मैं आपसे जानने की, आप कितने साल हो गए आपको मतदान करते हुए? हम लोग हो गया कम से कम 40 साल। 40 साल, तमाम सरकारें देखी, तमाम राजनेता देखे, ऐसा क्यों होता है कि राजनेता जो वायदे करते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता? नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस के वजह से अधिकांश वादों में माने विश्वास करते हैं लोग, और अधिकांश वादों को माने पूरा भी करती है कांग्रेस। भाजपा के वादों में विश्वास नहीं करते? भाजपा के वादों में विश्वास नहीं करते लोग। ऐसा क्यों होता है? हमेशा धोखा खाई है जनता उनसे। देखिए जनता धोखा खाई है भाजपा से, और कुछ लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, इनसे पूछता हूँ क्या करते हैं आप? मैं डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग वाला, पढ़ाई किए हैं? यस सर। कितनी तक? 12वीं सर। 12वीं तक। जो रोजगार करते हैं उसी में मन था या और कुछ करना चाह रहे थे? मैं सर कुछ करना चाह रहा था। क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाए? सर उसमें हुआ कि मैं थोड़ा जल सेना में, चाहे जो थल सेना में जाना चाहता था, उसमें हुआ कि थोड़ा हाइट में थोड़ा कुछ परेशानी होती थी, हाइट में कट जाता था, तो मैं जा नहीं पाया उसमें। मतदान करने जाते हैं? वोटिंग करने जाते हैं? मैं सर वोटिंग करने के लिए जो परिचय पत्र होता है 3 बार फॉर्म भर चुका था, ठीक है, लेकिन फॉर्म परिचय पत्र नहीं बन पाया। परिचय पत्र, सोचिए यहाँ नारा दिया जा रहा है 100% स्वाइप का, कहा जा रहा है सबको मतदान कराएंगे, लेकिन यहाँ तो 3 बार परिचय पत्र ही नहीं बन पाया। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ मैं कि 2019 का जो चुनाव है किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि बसपा का जिस तरीके से गढ़ कहा जाता है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। 2019 का चुनाव सामने है, मोदी जी ने तमाम वायदे किए थे, राहुल गांधी ने भी तमाम वायदे किए थे, एक आदमी को सत्ता मिल गई, एक के हाथ से फिसल गई, अब इस बार क्या होगा?
अभी तक तो जो मोदी जी ने कहा था उसमें कोई भी चीज हमारे पास न पहुंचा है। मोदी ने ये 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अभी तक 2 करोड़ इसको रोजगार नहीं आया। विगत जिस समय मोदी जी ने वहां इसके रोजगार की बात की थी उस समय मुश्किल से 25 लाख रोजगार थे, बेरोजगार थे। आज 2.5 लाख भी वो वादा पूरा नहीं कर सके। अगर मोदी जी मानते कि पकौड़ा बेचना रोजगार है तो क्या जो इंजीनियर किया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर किया, 10 लाख 15 लाख रुपए वो पकौड़ा बेच के अपना रोजगार चलाएंगे क्या? उसके माता पिता उसको उन्होंने तो कह दिया पकौड़ा बेचना भी रोजगार, और तमाम लोग बेच भी रहे हैं। भाजपा के सपोर्टर बताते हैं कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो अंतिम है। अगर कोई 10 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग करा रहा है या कोई 15 लाख रुपए खर्चा करके इंजीनियरिंग करा रहा है या मेडिकल करा रहा है वो क्या पचौड़ा बेचना वो प्रीफर कर सकता है क्या? उसको रोजगार मान सकते हैं? जो मुद्दों की बात यहाँ की जा रही है, आप क्या करते भाई साहब? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ सर। प्राइवेट जॉब कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 12वीं कम्प्लीट हूँ। 12वीं कम्प्लीट जी। मन के मुताबिक नौकरी कर रहे हैं? मन के मुताबिक तो सर नौकरी मिला नहीं है अभी तक। और रही बात अगर गवर्नमेंट की बात करें और इंडिया की बात करें तो मोदी साहब ने बोला था कि हर साल जो है 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो भी रोजगार है, ठीक है। तो सर आज इंडिया की जो रेशियो को देखा जाए तो आज 55 लाख लोगों को रोजगार मिला है, 2 लाख रोजगार नहीं मिल पाया अभी तक। और जितने भी वादे किए थे कुछ वादे पूरे हुए, लेकिन कुछ वादे पूरे होने कुछ होता नहीं है सर। जो वादा हुआ है पूरे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसी जांजगीर में रोजगार को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ 2019 में किस नेता को पसंद करके दिमाग में रख के मतदान करने जाएंगे? हम लोगों को कांग्रेस। कांग्रेस देखिए, सीधा सीधा बताया कांग्रेस को खास वजह? खास वजह हमारा कर्जा छूट किया है, कर्जा तो फिर डालेंगे उसमें, दिक्कत नहीं है। विधानसभा का मुद्दा देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा, भूपेश बघेल को जिस तरीके से, मैं आपसे एक मिनट जानना चाहूंगा, ये महिला है, राहुल गांधी ने बोला महिलाओं के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, राहुल गांधी ने कहा महिलाओं के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, समझ नहीं पा रही है। देखिए महिलाएं सही में सीधी होती है, समझ नहीं पा रही है कि क्या बोला है, क्या करेंगे कुछ और। हेलमेट लगाए इन सज्जन से जानता हूँ, 2019 में चुनाव है आगे, मैं 2019 में चुनाव है, किस दिशा में जा रहे हैं, किस नेता को पसंद करते हैं? अब जो देश के विकास के बारे में सोचेगा उस नेता को पसंद करेंगे। देश का विकास कैसे आंका जाता है? अब देश का विकास शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बेरोजगारी से दूर करने पर। नेता तो वादा करते हैं कि ये सब चीजें हम देंगे, लेकिन विकास कहीं खो जाता है फिर? अब नेता तो हमेशा आएंगे और झूठा वादा करेंगे, और झूठा वादा को पूरा करने के लिए कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं जनता को, और वो प्रलोभन के माध्यम से जनता जो है सही वोट का आकलन नहीं कर पाता है। प्रलोभन के माध्यम से नहीं जान पाते हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, 2019 का चुनाव सामने है, मतदान करने जाएंगे क्या पिक्चर दिमाग में लेके जाएंगे, 2014 वाली या 19 में नई पिक्चर बनी है? सीधे सीधे आज की लड़ाई जो है केंद्र सरकार के द्वारा और विपक्ष के द्वारा सीधा राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी की लड़ाई चल रही है। जिस प्रकार देश की विपक्ष की पार्टी कांग्रेस आज जो जेएनयू में बैठे हुए लोग जो कन्हैया कुमार के समर्थन में आज उनका जो घोषणा पत्र आपने देखिए कि हम वो कहते हैं कि धारा 370 को हम वहां से हटने नहीं देंगे, आर्टिकल 35 से हटने नहीं देंगे। आप किस प्रकार की मानसिकता से जी रहे हैं? आपकी पार्टी क्या चाहती है देश में, जो देशद्रोही के लोगों के साथ आप साथ देना चाहते हैं क्या? बताइए, एक चीज जानना चाहूंगा, 370 को हटा दिया जैसे आपने कहा, जो गरीब बैठे हुए अंतिम पंक्ति के आदमी की बात होती है वो कहाँ गायब हो गया चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का जितना भी आप घोषणा पत्र उठा कर देख लीजिए, वो अंतिम छोर के लिए काम करने वाली ही पार्टी है। आप चाहिए आयुष्मान योजना देख लो, चाहे गरीबों के चरण पादुका की व्यवस्था देख लो। आपकी बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो 370 की बात की, अंतरिक्ष में विजय फतेह की बात की, अंतिम आदमी कहाँ खो गया यहाँ पर जिसके लिए वोट मांगा जाता है? अंतिम लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है निरंतर। आप उनका घोषणा पत्र निकाल के देखिए, कहीं पर भी देख लीजिए, सीधा 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 गरीबों के लिए काम करने वाली कोई पार्टी है। काम किया जा रहा है लेकिन गरीबों को क्या मिलेगा ये पता नहीं, गरीबों को कुछ क्यों नहीं मिल पाता चुनाव, वादे तो तमाम होते हैं। गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कुछ कर रही है, अब यहाँ पर स्थानीय जो सरकार है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से यहाँ उनकी योजनाओं को लागू करने में कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है। क्योंकि वर्तमान में मैं जहाँ तक देखूँ, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। एक दो योजनाएं बताइए। आयुष्मान योजना बंद हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, बंद कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया है। सवर्णों के लिए जैसे भाई ने बता रहा कि सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण का अभी तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया। योजनाएं याद है जो बंद कर दी गई है? देखिएगा आप युवा हैं, क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग
रोजगार की तलाश में निकलेंगे बाहर, भीड़ में कहीं खो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वापसी मोदी सरकार की है और आने वाला दिन में जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आपका जर्नलिज्म ये सब आगे बहुत ज्यादा उभर रहा है, बहुत ज्यादा उभर रहा है। मेक इन इंडिया ने इसी देश में दम तोड़ दिया, ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, मेक इन इंडिया से आपका देखिए अभी अमेठी में ही 1A 203 का जो निर्माण कार्य चालू है, 7.5 लाख 1A 203 बन रही है, इसको कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार। विश्वास है मोदी सरकार के राज में नौकरी मिलेगी और हम शुभकामनाएं भी देते हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या करते हो भैया? सर हम ड्राइवर कर रहे हैं। ड्राइवर कब से काम कर रहे हो? 2002 से कर रहे हैं। मतदान करने जाते हो, वोट करने? जी सर। कौन सा नेता पसंद है? हमारी तो यहाँ का लोकल नहीं है भाई। नेता कौन सा पसंद है? नेता में कांग्रेस हमको पसंद है। कांग्रेस पसंद है? देखिए बहुत विरोधाभास है, अगर भाजपा की बात होती है तो मोदी पसंद है, लेकिन कांग्रेस की बात आ रही है तो कांग्रेस पसंद है, राहुल गांधी का चर्चा नहीं हो रही। मैं आपसे कर, आप कितने समय से मतदान कर रहे हैं? मैं तो लगभग 30 साल हो गए मतदान करते। 30 साल हो गए। आपने तमाम राजनेताओं को देखा, तमाम वायदों को देखा, वो वादे पूरे क्यों नहीं होते? देखिए भाजपा की शासन काल 15 साल चली है, लेकिन भाजपा तो खाली वो योजना लागू, माने योजना लागू करते थे, लेकिन जमीनी स्तर में आज तक उनका कोई भी योजना लागू पूरा नहीं हुआ। खाली वो सरकार ऐसी थी, खाली योजना लागू करने की सरकार थी, काम कहीं पर कुछ नहीं हुआ। आज हमारे कांग्रेस की सरकार ने हम किसानों के लिए कर्जा माफ किए, कितनी बड़ी बात है। हम लोकल मुद्दों के ऊपर चर्चा, साइकिल बांटना समाधान है क्या? नहीं समाधान नहीं, लेकिन जैसा सामने वाले लोग बता रहे हैं कांग्रेस के लिए कि यहाँ कोई योजना यहाँ क्रियान्वयन नहीं हुआ है करके, यहाँ उज्ज्वला योजना बाकायदा गरीबों को चीज जानना चाहूंगा, जिन युवाओं की बात की जाती है रोजगार कहाँ गायब हो जाता है? कौशल विकास जो चल रहा है, कौशल विकास जो चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग अपने सक्षम हो रहे हैं, वहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ से रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने नए नए गुर सीख रहे हैं। आज आके देखिए आप, ग्रामीण कौशल विकास अलग चल रहा है, सिलाई मशीन कई तरह के प्रशिक्षण हुए वहाँ से। 19 में मोदी या राहुल? मोदी। मोदी कोई खास वजह? देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना पड़ेगा। देश को बचाना, देखिए समझिएगा, यहाँ भी देश को बचाने की बात हो रही, मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। मैं आपसे जानने की कोशिश, आपने तमाम चुनाव देखे, तमाम राजनेता देखे, 19 में कौन? 19 में मोदी दिख रहा है भैया। कोई खास वजह दादा? अब उसको तो सब जान रहे हैं भैया, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई खास वजह? गैस बटा है, साइकिल बटा है, सब चीज बटा है। और रह गया सवाल, देखिए समान बटा है इसीलिए सरकार चाहिए। और कुछ इन महिलाओं से जानने की कोशिश करता हूँ। मैडम 2019 में चुनाव है, किस नेता को लेके आप जाएंगी मतदान करने? शादी में जा रहे हैं। शादी में जाएंगी मतदान करने? नहीं जाएंगी, समझिएगा आप, शादी में जाएंगी मतदान करने नहीं जाएंगी। 2019 में चुनाव है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास के? BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर। रोजगार की स्थिति तो आपसे छुपी नहीं है। हाँ। आपको लगता है कि जब आप उसके बाद नौकरी मांगने जाएंगे तो रोजगार की स्थिति रहेगी? रोजगार की स्थिति तो अभी बहुत खराब है इंडिया, जैसे पिछले बार थी उस बार से अभी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मतदान किया है कभी? अभी तक नहीं, ये पहली हो। पहली बार। कौन सा नेता पसंद है? अभी तो वैसे उतना नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन ना रवि भारद्वाज नाम सुनने में आ रहा है। रवि भारद्वाज। मोदी को जानते हो? हाँ जानते हैं। राहुल गांधी को जानते हो? हाँ। इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? हाँ। लेकिन नया बताया कि रवि भारद्वाज पसंद है, एक चीज अच्छी जानने को मिली। लोकल लोकल। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास पे? सेकंड ईयर TCR। नौकरी मिलेगी लगता है? नौकरी का नहीं लगता चांस। तो फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब पढ़ाई अपनी शिक्षा के लिए, अपने शिक्षा के लिए। ऐसा नहीं लगता राजनेता बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? बिल्कुल बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, रहेगा। राजनेता बनेंगे तो बेहतर रहेगा। और मैं इनसे जान लेता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, देश में रोजगारी की स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसको लेकर सरकार कोई समाधान क्यों नहीं? समाधान कहाँ से करे सरकार? जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सभी को रोजगार नहीं दे सकता। इनमें अपने जैसे दूसरे विदेशों में अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ लिख कर और स्वरोजगार माने लाना पड़ेगा। समाधान क्या है इसका? इसका माने शिक्षा है समाधान। शिक्षा, देखिए शिक्षा के ऊपर लगातार बात हो रही है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मेरे सहयोगी के पास भी आऊंगा। जांजगीर में हम देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी और शिक्षा, इन दो चीजों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है जो काफी बेहतर माना जाता है। ये यहाँ काम नहीं हुआ इसको लेकर या और कोई वजह है?
जी देखिए, यहाँ पर पिछले बार सरकार ने जो एमओयूज किए थे लगभग 22 से 23 एमओयूज हुए थे, जिसमें लोगों को उम्मीदें थी कि प्लांट खुलेगा तो विकास होगा, लोगों का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी। विनाश जरूर हुआ, कई जगह इनको कब्जा किए गए प्लांट के कारण, और बड़ी बड़ी चिमनियां लगाई गई, चिमनी कारण टेम्परेचर भी यहाँ का लगभग बढ़ गया है। तो जो उम्मीदें थी लोगों को कि यहाँ विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो शायद नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अभी भी लोगों को कह सकते हैं यहाँ के आदमी का शोषण हुआ है। जी निश्चित रूप से यही कहा जा रहा है। अभी लगातार जहाँ जहाँ प्लांट स्थापना हुई वहाँ पर आंदोलन होते हैं, आंदोलन का मुख्य कारण यही होता है कि उनका शोषण होता है। जो प्लांट स्थापित होने से पहले जो रूल्स रेगुलेशन होते उसको फॉलो करने की बात कही जाती थी, लेकिन अब जो वास्तविकता जब आ गई है तो उसको भूल जाते हैं, जिसको लेकर के लगातार असंतोष और आक्रोश दोनों व्याप्त है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है, जहां रोजगार मिल सकता है वहां वहीं के लोग नदारद रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता। मैं एक चीज जानना चाहूँ, यहाँ रोजगार की स्थिति है जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा, बाहर के लोग बनस्पत आके कर रहे होंगे, उसका मतलब वही, तो जहाँ मिल सकता है वहाँ नहीं मिल रहा, जहाँ नहीं मिल पा रहा वहाँ तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सब आज किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थायी रूप में असेटल है। रोजगार पाने की बात है तो रोजगार जैसा सरकार ने डेवलप किया है, हर समय भर्ती हुई है, पिछले बार भी आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार की भर्तियां हुई, उन सब में रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। 2019 में कौन? 2019 में मोदी जी, 2019 में मोदी जी और मोदी तमाम राहुल गांधी यहाँ, मतलब विरोधाभास नहीं है आप ये कह सकते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ सर, 2019 में चुनाव है, किसको नेता समझते हैं? मोदी जी को। कोई खास वजह? बेस्ट है अभी तो, अभी और तो कोई ऑप्शन नहीं। राहुल गांधी बेस्ट नहीं है क्या? नहीं। आप 2019 में चुनाव है? हाँ। जी सर। किसको नेता समझते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, कोई खास वजह? काम अच्छा कर रहा है। काम अच्छा कर रहा है, इनसे जानने, क्या क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो। 2019 में किसको नेता समझते हैं? भाजपा को। भाजपा को, देखिए मोदी जी को, भाजपा को, मोदी जी को, तमाम लोग हैं और अलग अलग राय है ना सबकी, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, क्या करते हो भाई? मैं न्यायालय में काम करता हूँ, वन विभाग से लगा हूँ, 8000 देता है महीना। 8000 महीने का देता है। चुनाव मतदान किया है कभी? मतदान नहीं किया। बाल तुम्हारे बहुत अच्छे, मतदान किया है क्या कभी? नहीं नहीं, मतदान किया क्या? पहले ही सहमे, पहले ही डरे हुए। इनसे माताजी से जानने की कोशिश करता हूँ। माताजी आप यहीं रहते हो? नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम तिलाई में रहते हैं। तिलाई में रहते हैं। मुझे एक चीज ये बताइए, वोटिंग करने जाते हैं आप? हाँ। कौन सा नेता पसंद है? आप बोला हम नहीं बताए सकते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नेता कौन सा पसंद है आपको? आप हम मोदी। देखिए मोदी यहाँ भी मोदी पसंद है, कुछ और हैं, मैं उनसे जानने। आपने वोटिंग किया है कभी? नहीं नहीं किया है। करने जाएंगे इस बार? नहीं, अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया है। कौन सा नेता पसंद है? देखिए नेता कौन सा, इनसे ये बहुत मशगूल है काम करने में, कौन सा नेता पसंद है? अब नेता तो मोदी ही छेगा, कहाँ गए नेता? वही खास वजह, अब वही साहब चला थे तो वही तो बनना चाहिए मोदी। अच्छा, सब चला रहे इसीलिए बनना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है? हाँ मोदी एच बनना चाहिए इस बार, मोदी एच बनना चाहिए। इनकी इच्छा भी यही है, मोदी एच बनना चाहिए। मतदान करने जाते हैं दादा? हाँ जी। कौन सा नेता पसंद है? मोदी पसंद है जी। कोई खास वजह? बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर। आपको कोई लाभ मिला उसकी योजनाओं का? मिला है ना। क्या क्या है? अब सब चीज मिल रहा है, देख रहे हो? देखिए सब चीज मिल रहा है, देख रहे हैं, बता नहीं पा रहे। आपके पास मैं आता हूँ एक बार, मैं जानने की कोशिश करता हूँ जरा। आप बताइए मतदान किया है कभी? जी अब मतदान किया ना। कौन सा नेता पसंद है? जी वैसे तो अपने देश के लिए कहीं ना कहीं मोदी ठीक रहेगा। कोई खास वजह? खास वजह तो बहुत है, लेकिन उतना तो नहीं है। बाकी मैं बात करना चाहूंगा, एक लोग मतलब ना जो शिक्षित व्यक्ति है, जो मतलब नौकरी के पीछे इतने भागे पड़े हैं, जो कुछ समय पहले मतलब नौकरी आई थी तो वहां से भग भग के आ रहे थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ भिलाई में, पावर स्टील प्लांट में मतलब लोगों को ले जाया जाता था कि चलो हमारे अभी नौकरी है कि नहीं है। नौकरी इस वक्त तो कहा जाए तो उतना मिलना सौर बात नहीं है, नौकरी मिलना है उतना स्वाभाविक नहीं। कुछ और लोगों से मार्केट चलते हैं, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करता हूं मैं कि कौन सा नेता पसंद है और उसके पीछे की वजह क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं। भाई साहब मतदान करने जाते हैं जी, कौन सा नेता पसंद है? मेरे को मोदी। कोई खास वजह? खास वजह कि अपने अच्छा लगता है, वो उसी को वोट देंगे अपन तो। देश हित की बात नहीं है यहाँ पर? हाँ। क्या है देश हित की बात? क्या अच्छा लगता है इसीलिए मतदान करेंगे? हाँ।
और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अच्छा लगता है इसीलिए मतदान करूंगा, बाकी कोई खास बात नहीं है। इधर इनसे भी जान लेता हूँ एक बार। बेटा कितनी उम्र है? 17। 17 साल। क्या ये दुकान आपकी है? पढ़ाई क्यों नहीं की हो? पढ़ाई कर रहा हूँ ना। पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी 12th क्लास में हूँ। तो दोनों चीजें कैसे कर लेता हूँ ना भाई, करना पड़ता है, गरीबी स्थिति है, क्या करूँ। गरीबी स्थिति। मोदी को जानते हो? जानते हूँ। कौन सा नेता पसंद है? मोदी जी। वोट करने जाओगे? जाऊंगा, अभी वोटिंग नहीं, 18 साल हुआ नहीं तो वोटिंग नहीं। 18 साल नहीं, देखिए मतदान करने नहीं जाऊंगा लेकिन मोदी जी पसंद है। मैडम आपका पहचान पत्र बना है? वोटिंग किया है कभी? इस साल 18 वर्ष हुआ मुझे। इस साल 18 वर्ष हुआ है। नेता कौन सा पसंद है? मोदी जी। कोई खास वजह? क्योंकि उन्होंने गरीबों को बहुत सारे व्यवस्थाएं दी है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। कोई खास व्यवस्था आपको मिली हो? हाँ मिली है ना, हमारा घर बना है अभी। देखिए इनका घर बना, ये होता है नेता ने कुछ दिया तो उसको याद कर रखा और याद करने के बाद सीधा सीधा बता दिया कि हमको ये मिला है इसलिए हम देंगे वोट, इनको इसलिए देंगे। मैं इनसे जानने की कोशिश। भाई साहब कब से दुकान लगा रहे हो? हफ्ते में आता हूँ सर। हफ्ते में आते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, गांव-गांव घूमता हूँ। गांव-गांव में घूमते हैं। कितना कमाते हैं महीने का? कुछ नहीं सर, वो थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, अपने बच्चों का गुजर हो जाता है। नेता कौन सा पसंद? नेता की तो मोदी सबकी जानना करता है, मोदी की पसंद करते हैं सब लोग। कोई खास वजह? वजह क्या है, सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी, ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए देश के अंदर। और उसने किसी का लूटा थोड़ी हो तो दुनिया को, अच्छे पैसे वालों को लूट रहा है, वो गरीबों को थोड़ी लूट रहा है। गरीबों को नहीं लूट रहा, पैसे वालों को लूट रहा है। कितनी बढ़िया बात बोली आपसे। मतदान किया है कभी? हाँ किया है मतदान। कौन सा नेता पसंद है? हम तो मोदी को पसंद करते हैं। कोई खास वजह? क्या है, मोदी सब चीज दे रहा है, जो सब दे रहा है वही पसंद है। मैं दादा से जानता हूँ। दादा कब से मतदान कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ। कितना साल हो गया एक अंदाजा? मेरा 77 हो गया हूँ। 77 उम्र हो गया। ये मुझे बताइए, आपने तमाम नेताओं को देखा, नेता तमाम वायदे करते हैं, वो वायदे पूरे होते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होते कि वो गलत वायदे करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है उनके द्वारा? लालच। ये लालच कहते हैं कि पब्लिक हमको वोट देगी। आपको कौन सा नेता पसंद है? अरे भाई मोदी के छोड़ दूसरा पसंद नहीं। ऐसी कोई खास वजह? उसका वजह ये है कि देश को आज सुरक्षित रखा है तो मोदी ने रखा है। देश को सुरक्षित रखा है तो मोदी ने रखा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश की सुरक्षा की बात हो रही है, बेरोजगारों की बात क्यों नहीं होती, गरीब की बात क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, बेरोजगारी गरीबी सबकी बात होती है लेकिन इसको दिखाया नहीं जा रहा है। रही देश की सुरक्षा की बात, तो पहली बार देखिए उच्च शीर्ष कर्ता में ये बोला जाता है कि जो नेतृत्व करता होता है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, वो अगर दमदार नेतृत्व करता हो तो सही समय पे सही निर्णय लेता है। पहली बार मोदी गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, मैं पर्टिकुलर मोदी जी को फोकस करूंगा। पहली बार ऐसा नेतृत्व करता है जो डिसीजन किसी के दबाव में ना आकर सेल्फ से ले रहे हैं, देश हित में ले रहे हैं। देखिए मोदी के बारे में काफी गहन जानकारी रखते हैं, एक महिला से बात करने की कोशिश। आप बेटा क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th। 9th में पढ़ाई कर रहे हो। आप पढ़ाई करते हो, तमाम चीजों को सीखते हो, लोगों को भी बताते हो। पढ़ाई करने के बाद क्या बनने का इरादा है? नहीं सोचा है अभी तो। अभी नहीं सोचा? सोची 9वीं क्लास का बच्चा है लेकिन अभी नहीं सोचा है कि क्या करना है। एक बार आपसे मैं बात करूंगा। आप मतदान करने जाते हो, वोट डालने जाते हो? हाँ जाते हैं। कौन सा नेता पसंद है? हमन तो जाना नहीं। आप नहीं? मोदी 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 को जानते हो? हाँ। राहुल गांधी को जानते हो? हाँ। दोनों में से कौन पसंद है? हमन ला दे मोदी ला। मोदी ला दे। कोई खास वजह? आई क्या क्या खास क्या है? हाँ वही ला दे वो। हम आपसे मैं जानूंगा, दो नेता है राहुल गांधी और मोदी है, किसको पसंद? हम आने नहीं जाना। अच्छा एक ही घर के हैं। देखिए कितना सरल तरीके, सहज तरीके से बताया कि कौन पसंद है। मैं आपसे एक बार बात करूंगा, आप एक बार बताइए माता जी, आप मतदान करने जाते हैं कौन सा नेता पसंद है? बताइए। सरकार किसकी चाहिए बताइए। देखिए मतलब महिलाओं को सहज कहा जाता है, सहजता। आपसे मैं जान लेता हूँ कौन सा नेता पसंद है और क्यों? हमें तो मोदी ही पसंद है। कोई खास वजह? अच्छी काम कर रही सरकार उनकी, बहुत अच्छा है।